के एंटी घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद सीबीआई की जांच पर रोक लग गई है। 31 जनवरी को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने सीबीआई को एफआईआर दर्ज कर जांच किए जाने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद वेरा अध्यक्ष विवेक ढांड ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस आदेश को चुनौती दी थी। तीन जजों की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ शासन, सीबीआई और याचिकाकर्ता कुंदन ठाकुर को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल किए जाने के लिए कहा है। तो वहीं कुंदन ठाकुर ने भी सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दाखिल की थी और हाई कोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक रोक जारी रहेगी। आपको जानकारी देते चले कि हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने और जांच शुरू की कर दी है और सीबीआई की टीम ने मामले से जुड़े अधिकारियों के बयान दर्ज करना भी शुरू कर दिया। वहीं कल ही याचिकाकर्ता कुंदन ठाकुर को उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए भी बुलाया था। चलिए खबर अंबिकापुर से।